इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी को भी न्याय के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है तो उसका एकमात्र सहारा बना है धरना। जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरनों का दौर शुरू हो चला है। आज राजधानी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के कर्मचारियों ने स्वयं की जीविका को बचाने के लिए धरना देने का निर्णय लिया। आपको बताते चलें कि कुछ शासन समर्थित या मानवीय मूल्यों को धता समझने वाले अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ और स्वयं की नाकामयाबी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के हजारों कर्मचारियों, जो कि विगत 15-20-25 साल से निगम में नौकरी कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उन्हें एक झटके में नौकरी से निकाल फेंका। आइए बात करते हैं भूमि सुधार निगम में कार्य करने वाले और अभी नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिए गए कुछ कर्मचारियों से। राजधानी लखनऊ के गांधी प्रतिमा जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास में, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य भूमि सुधार निगम लिमिटेड के कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। यहां पर एक धरना आयोजित किया है इन लोगों ने। इन लोगों का कहना है कि जो 20-20, 25-25 साल से लोग काम कर रहे थे, अचानक उन्हें बिना किसी नोटिस के इन्हें यहां से निकाल कर बाहर कर दिया गया है और इन लोगों में बहुत आक्रोश है और ये लोग यहां पर एक धरने के लिए बैठे हैं। ये बात करते हैं इनसे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आलोक सहगल है। सर, यहाँ पर आप लोगों ने आज धरना आयोजित किया है, किस लिए धरना आयोजित किया जा रहा है? धरना इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि नहीं, मुख्यालय में हम काम करते हैं, हमारे साथी जो है भूमि सुधार निगम में जो है हमारे जो परियोजना 25 जनपदों में 29 जनपदों में चल रही है, उसके संविदा कर्मी हैं जो पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे थे। परियोजना के समाप्ति के बाद इन लोगों को निकाल दिया गया। प्रबंधन का ये काम है कि नई नई परियोजनाएं लाना, और हम लोगों को लगातार जैसे हम 20 साल से काम करते आ रहे थे इस तरीके से हम लोगों का जो है काम दिलाते रहना, लेकिन वर्तमान प्रबंधन जो है वो नकारा है, उसने कोई काम नहीं किया इस पर से, तो इसलिए मजदूरों में हमको निकाला गया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जो थे राजनाथ सिंह, स्थानीय सांसद और विभिन्न अधिकारियों से पत्राचार भी किया, व्यक्तिगत रूप से मिले भी, लेकिन कोई जो है अभी तक किसी ने जो है आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सब इस उम्र में आप देखिए ये लोग कहाँ जाएंगे, लोगों को नई नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। तो क्या इसमें से सभी लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया है या कुछ विशेष कर्मचारी हैं जिनको खाली निकाल के बाहर किया गया है? देखिए, संविदा कर्मियों को तो करीब करीब सबको निकाल दिया गया है, लेकिन जो प्रतिनियुक्ति पे कार्यरत है और संविदा कर्मियों के 3 से 4 गुना सैलरी वाले हैं उनको अभी भी रोका गया है और ये बताया जा रहा है कि काम है। अरे काम है तो क्या हम लोग जो 25 साल से निगम में काम कर रहे हैं उनको पहले वरीयता दी जानी चाहिए कि प्रतियोगिता वाले को वरीयता दी जानी चाहिए? तो आपने इसकी शिकायत पहले कहीं कर रखी है या? जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के शासन के हर स्तर पर शिकायत कर रखी है। किसी ने आपका शिकायत तो संज्ञान नहीं लिया? किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इसके आगे अगर ये लोग संज्ञान नहीं लेते हैं धरने के बाद भी, तो क्या ये आंदोलन विशाल होने के चांसेस हैं और बड़ा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, प्रदेश इस तरह सारे कर्मचारी, सारे हमारे कार्यालय जो वहाँ के लोग इकट्ठा करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, अगर नहीं होगा तो। सर, आपका नाम? यस, नई अलीगढ़ से आया हूँ। सर, इस धरने के बारे में अपनी समस्याओं के बारे में कुछ बताइए सर। समस्या यह है कि 25 साल से भूमि सुधार निगम में काम कर रहा हूँ। 25 साल से जो है आज उन्होंने मेरे रोल पे काम कर दिया है और जो है रुकती है, अगर मैनेजमेंट चाहती तो शायद करना जो शुरू हो जाती, लेकिन मैनेजमेंट ने जो है इसमें हम नकारापन कहेंगे और हम अगले समय से जो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो परियोजना आनी चाहिए थी वो उन्होंने लानी नहीं, लाने के प्रति इनका बिल्कुल भी जो है दिलचस्पी नहीं आ रही, और ये मुझे लगता है या तो कोई बड़ा षड्यंत्र है इस परियोजना को बंद करने का, या जो है इसको कहीं दबाव है, अदरवाइज देखिए इतनी भीड़ है जो सब पीड़ित हैं, सब ये 25 साल से काम कर रहे हैं। 75-75 जो राष्ट्रीय डाक द्वारा मैंने शासन को विभिन्न स्तरों पर मैंने पत्र भेजे हैं, लेकिन मेरे पत्रों पर किसी भी स्तर पर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी विडंबना है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं जैसा व्यक्ति जो है, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैंने पत्रों पर भी कोई जवाब नहीं कार्रवाई नहीं हुई, तो एक अशिक्षित व्यक्ति या जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे इसका समस्या का समाधान होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। आज तक अभी तक शासन प्रशासन ने किसी ने हम लोग को निरीक्षण के बारे में नहीं सोचा, ना ही हम लोगों का इस बारे में कोई
प्रोजेक्ट आता है लेकिन हमारा शासन लेना नहीं चाह रहा है। निगम को अब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया, उसको बंद करने के लिए ये बंद किया जा रहा है। तो लगभग कितने लोग होंगे, कितने कर्मचारी होंगे जिनको इन्होंने निकाल के भी निकाला हुआ है, कितने कर्मचारी संख्या? हजारों लोग हैं, हजारों लोग, लगभग 1600 लोग हैं जिसमें लगभग 1600 लोग हैं, बता दें सारे मिला के 1500-1600 लोग हैं, लगभग 230 हजारों लोग बेरोजगार हो, लगभग 230 कर्मचारी काम नहीं है। शासन के पास काम है, एग्रीकल्चर की योजनाएं हैं, मगर यहाँ के भ्रष्टाचारी लेना नहीं चाहते, उस काम को करना नहीं चाहते, निगम को बंद करना चाहते। सभी कुशल कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं सभी कुशल कर्मचारी हैं। 25 साल पहले पूरे प्रदेश में जो है उसर ही उसर था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके 41st में अच्छे अफसर थे, अच्छे कर्मचारी थे, एक अच्छा जो है एक जो है लीडरशिप थी। लेकिन विगत जो है 2-3 साल पहले से कुछ ऐसे अधिकारी आ गए जो जिनकी वजह से जो आज ये स्थिति आ गई कि सब लोग रोड पर आ गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो है माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को बजट दें और अच्छे अवसर को चिन्हित करें, बढ़िया अवसर को अधिकारियों को यहाँ पे कृषि विभाग के जो अच्छे अवसर उनको यहाँ भेजिए और इस विभाग को जो है ये जो बड़ा वृक्ष आज खड़ा है इसको और आगे बढ़ाइए, इसको जो है और सबको रोजगार मिले। जी ये अपने जो है 91 से दैनिक वेतन काम कर रहे थे, 91 से दैनिक वेतन और जो है 95 में जो है संविदा में कर दिया। ये जो है इधर अभी हमने जो है लेटर भेजे तो उसका जवाब आया, मगर मुख्य सचिव महोदय से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको लिखा मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं, प्रधानमंत्री ने भेजा जवाब भेजा मिला है मगर मुख्य सचिव महोदय से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री के ये प्रबंधन की जवाब है सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छा। क्यों यार सब लोगों को रोजगार कर दिया गया, काम दिया गया आदमी लाया जाए, योग्य अधिकारी बोलते हैं हमारे। जब ये देखिए हमने मोदी जी को लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं, राष्ट्रपति वाला भी नहीं धनबाद माननीय विधायक जी का है, उन्होंने भेजा गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने भी इनको लिखा है कि कार्रवाई करें लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे प्रबंधन को बदला जाए, मुख्य समस्या यही है, एमडी को बदला जाए, मुख्य समस्या हम लोग की यही है कि प्रबंधन को बदला जाए। जिंदाबाद तो जैसा कि आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम में कोई नई परियोजना न आने के कारण, या जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि जानबूझकर नई परियोजना नहीं लाई जा रही है, हजारों कर्मचारी आज घर से बेघर होने को मजबूर हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार होने के मजबूर हैं। अतुल अग्रवाल साहब, पवन त्रिपाठी, LIVE24 न्यूज, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे LIVE24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।